हे हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वर्ग में स्वागत है। तो गाइस, अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है पूरे पूरे 12 पर रात के नहीं दिन के, और हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ दिन हो या फिर रात, यहाँ पे आत्माओं का वास होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्या एक्चुअली में ये होता है या फिर नहीं। तो गाइज, ये रहा, ये जो है यहाँ से जाने का रास्ता है आगे, और हवा के कारण गाइज पूरा जो पेड़ है वो भी हिल रहा है, जिससे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। और आप इधर का देख पा रहे होंगे, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और गाइज, पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे। गाइज, यहाँ पे हमें एक छोटा सा घर मिला है, और आपको हम अंदर से चल करके दिखाते हैं। सो गाइस, इसके अंदर हम लोग चलते हैं, और यहाँ जो पूरा रूम है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, खतरनाक सांप वगैरह भी हो सकते हैं। और यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से ये खंडहर हो चुका है। और एक और रूम है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी जो रूम है पूरी तरीके से खंडहर हो गया है। लेकिन गाइज, इसके अंदर पहले जो है इंसान मतलब यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन ढलते दिनों के साथ यहाँ पे अब कोई नहीं रहता। चलिए हम और कुछ दिखाते हैं आपको। गाइज, हम इस रास्ते से चलते हैं आगे। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घना ये जंगल है, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। और हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। गाइस, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे, और ये ऊपर तक है। गाइस देखिए, ऊपर तक, पूरा ऊपर तक गया हुआ है ये, कि पूरा ऊपर तक गया हुआ है। गाइस, यहाँ पे एक घर भी दिखाया है, हम इसके अंदर जाकर भी देखेंगे। यहाँ पे लॉक लगा है, पर की हमने मांगा है और हमें मिल गया है। इसके अंदर हम आपको जा करके दिखाएंगे। और सबसे पहले गाइस, आप इधर देखिए कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है ये। गाइस, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम बना करके जाएंगे। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि 7 बहनें रहती थीं, और वहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें वो 7ों का खेलते खेलते गिर गई थी, और जिसके कारण 7ों वहाँ पर मर गई थी। और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे पायल, घुंघरू वगैरह का आवाज़ आते रहता है। तो हम उस जगह को आपको दिखाएंगे। गाइस, रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। गाइस, वहाँ पे जाने का 2 रास्ता, एक इधर से है और एक इधर से है। तो इधर से जो है थोड़ा ख़तरनाक पड़ रहा है, तो हम लोग इधर से जाएंगे, क्योंकि डर भी है इधर से सांप वगैरह का। तो हम लोग इधर से जा रहे हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं। और गाइस, धीरे धीरे जो है हम उस जगह पे पहुंच ही रहे हैं। और रास्ते में आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से यहाँ पे घना जंगल है, और हमें वहाँ तक थोड़ी दूर है, तो जाने में थोड़ी देर लग रही है। और हम आपको दिखाते हैं वो जगह। गाइज, हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पे जो सामने घर दिख रहे हैं आपको, वो उसी के अंदर जो 7 बहनें थी रहा करती थी। और यहाँ पे तालाब भी है। और गाइज, ये रहा ये तालाब जो है, अभी तो पूरी तरीके से खाली है, लेकिन पहले भरा हुआ था। और कहा जाता है कि इसी के अंदर वो 7 बहनें गिर गई थी। और पीछे आप जो घर देख रहे हैं उसके अंदर लोग रहते हैं, और वो उनका ऐसा कहना है कि पीछे से बहुत ही ज़्यादा घुंघरू या पायल की आवाज़ें आती हैं। तो गाइस, जाने में भी डर लग रहा है, पर आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस, यही है वो तालाब, अभी पूरी तरीके से सूखी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
गाइस हम पूरी तरीके से इस तालाब के अंदर आ चुके हैं। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, भले ही दिन हो पर डर लग रहा है गाइस। और अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह जम चुके हैं। गाइस हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर भी है और जानवरों का भी डर है। तो चलिए मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। गाइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है यार। गाइस अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे एक टूटा हुआ बहुत पुराना मकान भी है जो कि आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए। गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वो टूटा हुआ एक मकान है जिसके अंदर लोग रहा करते थे, पर अब कोई नहीं रहता। सो गाइस हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं यहाँ पे, और अब हम आपको इस रूम के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई है। वैसे तो ये अभी थोड़ा साफ सुथरा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे कहा जाता है कि इस रूम में जो पहले रहा करते थे तो वो इस रास्ते से जा रहे थे यहाँ पे, और वो जो सामने वहाँ पे गेट है उसी गेट से यहाँ पे जब जो इंसान थे यहाँ से गए तो उनको शूट आउट कर दिया, और जिस शूट आउट में उनकी डेथ हो गई थी। ये भी जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसी जगह पे उनकी डेड बॉडी गिरी हुई थी। और गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही होगा, तो गाइस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स आता है तो हम रात में भी इसी जंगल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू गाइस।